आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस कैसी शेप होती है और इसका एरिया निकालने का तरीका देखेंगे हम लोग। इजी सा टॉपिक है काफ़ी। देखो सबसे पहले तो एक रोम्बस शेप कैसी थी क्लास, एक ऐसी शेप जिसमें काजू कतली टाइप शेप चारों साइड आपस में इक्वल होती है। यानी अगर मान लो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये सब इक्वल। लेकिन इसमें इसके साइड्स का ज़्यादा मैटर नहीं होता, इसका एरिया निकालने के लिए इसके डायगनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये डायगनल है इसके, ये हमारा डायगनल 1 है, ये डायगनल 2 है, ठीक है। इसके एरिया में ना इसके डायगनल ही काम आते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि पहले इसका एरिया का फॉर्मूला देखो, उसके बाद दो तीन क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या और निकालते कैसे, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ डी वन इंटू डी टू, यानी मल्टीप्लाई इंटू दोनों में मल्टीप्लाई, ये इसका फॉर्मूला है। इसको अप्लाई करके इसके सारे आंसर निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल इसी रोम्बस की बात करते हैं, मैं तुम्हें ये 10 10 सारे मिटाता हूँ। मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ कि हम पहले उसका एरिया निकालेंगे। जैसे एक रोम्बस है, ये रोम्बस है, इसका जो बड़ा वाला डायगनल है ये दे रखा है 20 मीटर, छोटा वाला दे रखा है 7 मीटर। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है, ठीक है। 20 मीटर दे रखा है बड़ा वाला डायगनल, छोटा वाला सेम, बस इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे आंसर निकालेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका हम। सॉल्यूशन सबसे पहले d1 कितना है हमारे पास 20 मीटर, d2 कितना है हमारे पास 7 मीटर। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला हमारे पास है हाफ d1 इंटू d2। हाफ d1 की जगह पे 20 और d2 की जगह पे 7। अब 20 2 के टेबल में आता है, 10 पे काट दो, 7 आता तो उसको भी काट दे। अब यहाँ पे क्या बचा, बस 1 10 और 7, यानी 7 into 10, ये हो गया हमारा मीटर मैंने क्वेश्चन, तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, ये इसका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करेंगे, पर पहले इसको समझ लो। डायगनल 1 दिया था, डायगनल 2 दिया था, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाया हमने, हाफ की जगह हाफ, d1 की जगह पे 20, d2 की जगह पे 7, एरिया निकाल दिया हमने सस्ते तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल करते हैं कि मतलब एरिया दे रखा है पर एक आध डायगनल निकालना होगा, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर वो भी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे ये वाला डायगनल दे रखा है इसमें 13 मीटर, ठीक है, और अब 13 13 13, और ये वाला डायगनल हमें निकालना है, फाइंड d1। इसका एरिया दे रखा है हमें 390 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया दे रखा है। हमें बताना है कि फाइंड डायगनल 1, यानी d1 कितना है, ये हमें इसी से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमें पहले निकालना पड़ेगा d1। d2 पता है हमें, d2 कितना है हमारा, ये है, इसी को यूज़ करेंगे और इसको भी इसी फॉर्मूले में अप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। मतलब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों डायगनल में से एक दे रखा है और एरिया भी दे रखा है, तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, जो बचा हुआ दूसरा वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने सेम सॉल्यूशन में शुरू किया था, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डायगनल 1 जो हमारे पास नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, d2 को क्या करेंगे 13 मीटर। अब एरिया ऑफ रोम्बस जो हमें पहले ही दे रखा है, सीधा इसको एरिया लिख देते हैं फिलहाल, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 390 मीटर स्क्वायर। ये जो हमारे पास ये गिवन थी वो हमने सारी लिख दी। अब इसमें अप्लाई करेंगे, इन सबको लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नहीं d2। अब एरिया ऑफ रोम्बस इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है, मीटर की लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशंस में हम लोग मीटर सेंटीमीटर लास्ट में लगाएंगे। 390 हाफ d1 की जगह पे, d1 पता ही नहीं है, d2 की जगह पे कितना 13, ये हमें दे रखा है। आप देखो क्लास इस क्वेश्चन को और सिंपल तरीके से करेंगे, देखो बाकी कैलकुलेशन साइड कर देंगे। यहाँ पे 390 है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि d1 अकेला छोड़ेंगे तभी तो हमारे पास सारी वैल्यू आएगी। 2 यहाँ पे अगर डिवाइड हो तो 390 के पास जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे बच जाएगा d1 और 13, ठीक है। अब 390 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 0 8 1 780 इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे हम लोग, ये इसका सिंपल स्टेप हो गया। अब ये 13 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, यानी 780 के पास जाके ये हो जाएगा डिवाइड। हमें करना क्या, देखो यहाँ पे 390 था, सबको उधर भेजेंगे तो d1 बचेगा, अब 2 को इधर भेजा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, 390 के इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आएगा 780, ठीक है।
और बात करें अब यहाँ पे डी वन है और 13 है, अब 13 को भी इधर भेजेंगे तभी हमारे पास डी वन आएगा ना, अब 13 से इसको डिवाइड कर देंगे ये जाएगा 60 पे, तो यानी डी वन जो है वो आ गया हमारा 60 मीटर स्क्वायर, नहीं क्योंकि साइड पूछी थी इस बार सिर्फ, क्योंकि एरिया में दे रखा था स्क्वायर में वो हमारे पास पहले से ही था, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये आ गया हमारे पास डी वन 60 मीटर, दैट्स इट।